उधर हमास के रूस पहुंचने पर इजराइल और अमेरिका भड़क गए और इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब किया और हमास की मेजबानी करने पर जवाब मांगा, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूस किसी भी एक पाले का साथ नहीं दे रहा था। उसने पहले इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया और फिर जब इजराइल ने हमास का हुक्का पानी बंद कर दिया तो उसने इजराइल पर भी निशाना साधा। लेकिन हमास के नेताओं की मेजबानी कर रूस ने इस युद्ध में सीधी एंट्री ले ली और साथ ही अमेरिका और इजराइल को भी बड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब किया और एक बयान जारी किया कि हमास की मेजबानी करना ये संकेत देता है कि रूस इजराइल के खिलाफ आतंकवाद को सही ठहरा रहा है। हालांकि रूस का कहना है कि हमास की मेजबानी करना युद्ध में सभी पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश है।